Now question number 5, इसमें पूछा simplify and write the answer in the exponential form. इसको simplify करना है और exponential form में लिखना है. देखो इसके अंदर कौन सा formula लगेगा? A की power m, इसकी power m. A की power m, its power is m. तो क्या होगा? Power आपस में multiply लगेंगे. A की power कितना लगेगा? M into m. ये formula लगेगा. A part पे चलते हैं. C की power 2, उसकी power 3. तो power आपस में multiply लगेंगी. 2 into 3. C की power 6. ये इसका answer आ जाएगा. बी पार्ट पे चलते हैं 2/7 इसकी पावर 0 एंड होप टू द पावर 5 तो इट बिकम 2/7 पावर कितनी आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 2/7 की पावर 0 और ये याद रखना किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 प्रूव करके दिखा देता हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास x की पावर 0 है आप इसको क्या ले सकते हो x की पावर 1-1 इसको आप क्या ले सकते हो x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने इसको अलग किया है x की पावर -1 पावर माइनस में डिनोमिनेटर में जाके प्लस की हो जाएगी x की पावर 1 डिवाइड बाय x की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आएगा आपका आंसर तो इसी तरह मैंने बताया किसी भी x कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर उसकी पावर 0 है उसका आंसर हमेशा 1 आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 सी पार्ट पे चलते हैं 3/4 पावर 2 एंड होल टू द पावर 4 3/4 2 इंटू 4 3/4 की पावर 8 ये इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 8 तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज के ठीक है क्योंकि टॉपिक ही बड़ा आसान है बड़ा इंटरेस्टिंग है सिर्फ फॉर्मूला याद रखो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और बड़ी सिंपल आसानी से हो जाएगा ये नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6